चलवाएंगे। और भाई कितने दिनों के बाद सूरज देखा है, बहुत दिनों के बाद। आज भाई 6 तारीख है जनवरी का। अब पेरेंट एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा माहौल है। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं सूरत में, गुजरात में एंट्री हो गई भाई। तो अभी हम हैं सूरत के अंदर। यहाँ आने के बाद अभी भी मैंने कैब डाली हुई है, और भाई अपने यहाँ पर सर्दी का इतना कहर है कि कैब उतारने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई आ चुके हैं, मिल लिए हैं भाई। ये मिस्टर दवलसा है, देख लिए होगा काफी वीडियो में आप लोगों ने है? तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम सूरत। जानते तू मेरे को, भूल गया? ओए होए जानता है भाई, नहीं भूला भाई तू तो। भाई देखो यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ना देख सूरज निकला हुआ भाई, ये देख सकते हो पीछे, पता नहीं आपको रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा कैमरे के अंदर, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इधर सूरज निकला हुआ है भाई। और मतलब जैसे अपना फरवरी का मौसम होता है ना, वैसा यहाँ पे सेम टू सेम। और भाई कितने दिनों के बाद सूरज देखा है, बहुत दिनों के बाद। आज भाई 6 तारीख है जनवरी का, और 5-7 दिन से या 8-7 दिन से तो सूरज देख ही नहीं पा रहे थे। और इतनी कड़ाके की ठंड थी ना वहाँ पर, पूछो मत भाई। और इसी चक्कर में मैं निकलाया साउथ की तरफ। रास्ते में अभी जहाँ पर मैं हूँ वो है सूरत सिटी, गुजरात का, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ का टेम्परेचर समुंदर होने की वजह से तो नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, गर्मियों में भी लगभग थोड़ा बहुत और सर्दियों के अंदर भी ज़्यादा 20-25 का टेम्परेचर रहता है यहाँ पर सर्दियों के अंदर भी, और आपने वहाँ पर 4-5 हरियाणा के अंदर इतना रहता है मिनिमम। तो कुल मिला के बात ये है कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो भाई टेम्परेचर जैसे नॉर्थ का है उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर। तो और काफ़ी सारी भाई एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो चारों तरफ। बट पता है एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं पहले भी आया था 2014 में, तब भी मैंने ऐसा ही देखा था यहाँ पे। अब देख रहे हो यहाँ जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ना, इधर सुबह पानी था यहाँ पे, सुबह और शाम को आता है। पीछे देख रहे हो दूर दूर तक कोई समुंदर का पानी नहीं है, लेकिन ज़मीन बिल्कुल गीली है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल गीली है ज़मीन, सुबह ही पानी आया था यहाँ पे। और मैंने यहाँ पूछा भी है, और पहले भी मैं आ चुका हूँ, उसके हिसाब से भी यहाँ पानी है ना सुबह शाम ही आता है भाई। और समुंदर का पानी है ना बिल्कुल बैक साइड में, कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास, 2-3 किलोमीटर पीछे गया हुआ है, और रात को आएगा भाई दोबारा। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पेरेंट एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा माहौल है। और इधर टेंपल है,
और सफारी राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ज़्यादा कुछ तो है नहीं भाई यहाँ दिखाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए तो हम जा रहे हैं केरला साउथ इंडिया के अंदर। आने वाले का जो टाइम रहेगा टूर का, वो भाई काफ़ी भयंकर होने वाले हैं। ट्रैकिंग, पैदल, और ये जो व्लॉग सारे के सारे रहेंगे ना, बजट व्लॉग रहेंगे भाई। इसमें कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम होटल यूज़ करूँ। कैंपिंग करेंगे, आप लोगों को भी पता चले कि भाई बाहर जाके हम कम खर्चे के अंदर कैसे घूम सकते हैं। तो आज के दिन तो हैं हम सूरत के अंदर, कल यहाँ से निकल जाएंगे रेस्ट करके अच्छे तरीके से, और फिर आगे की बीच दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत साफ पानी उधर साउथ इंडिया के अंदर, और गोवा तो है ही, आपको पता ही है।